Welcome back to your science class. Today we are going to read chapter number 7, States of Matter. आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? States of Matter. In this chapter, we will read matter, sources of material and shape of material. इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तीन टॉपिक पढ़ेंगे mainly. Matter, material के sources और material की shapes. Number one, matter. We see different things around us. हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीजें देखते हैं. सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग. जिसमें से कुछ लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग होती हैं. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं. बट एवरीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वेट. लेकिन जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनमें वेट होता है. सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट. कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका वेट होता है, इज कॉल्ड मैटर. उसे हम मैटर कहते हैं. एग्जाम्पल, योर कबर्ड, क्लॉथ्स, प्लांट अराउंड अस एंड एयर वी ब्रीथ, ऑल थिंग्स आर मैटर. जैसे आपके रूम में कबर्ड्स, क्लॉथ्स, हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे और यहाँ तक कि जो हवा हम सांस लेते हैं, ये सभी मैटर है. इन नेचर मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स और स्टेट्स. नेचर में जो मैटर है वो थ्री फॉर्म्स में पाया जाता है. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके स्टूडेंट्स, दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और ये तीनों फॉर्म्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर कॉल्ड एटम्स. जो मैटर होता है वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. सॉलिड It is that form of matter which has a fixed shape and size. ये matter की वो form होती है जिसका shape और size fix होता है. Solids do not change their shape easily. जो solids होते हैं वो अपने shape को change easily नहीं करते हैं. जैसे table, chair, pen, floor, etc. ये सभी solid की example है जिनकी shape change नहीं होती है. Liquid, it is that form of matter which does not have a fixed shape and size. ये मैटर की वो फॉर्म है जिसकी कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता. लिक्विड कैन फ्लो इजीली. जो लिक्विड होते हैं वो इजीली फ्लो करते हैं एंड टेक द शेप ऑफ द वेसल्स दे आर कैप्ड. और उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें डाला जाता है. एग्जाम्पल, मिल्क, वाटर, जूस, एक्सेट्रा. आपने देखा होगा कि अगर आप एक ग्लास में पानी लेते हैं तो वो ग्लास की शेप में हो जाता है. अगर आप उसी पानी को प्लेट में डालते हैं तो वो प्लेट का आकार ले लेता है. तो जो लिक्विड्स होते हैं वो बर्तन के हिसाब से अपने शेप को चेंज करते हैं. गैस, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव एनी शेप और साइज. और गैसेस जो होती है वो मैटर की वो शेप होती है, वो स्टेट होती है जिनका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है. गैस ऑक्यूपाई स्पेस. जो गैस होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. वी कैन ओनली फील गैस बट इट कैन नॉट बी सीन. हम गैस को सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते. गैसेस इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और जो गैसेस होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं. आवर एटमोसफियर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ गैसेस. हमारा जो एटमोसफियर होता है उसमें बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है. जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, ऑर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो हमारा जो एटमोसफियर होता है इन सभी गैसेस का मिक्सचर होता है. सोर्सेस ऑफ मटीरियल. मटीरियल के सोर्सेस. We get different types of material from the nature. हमें nature से different types के material मिलते हैं. Some materials are man-made और कुछ materials ऐसे होते हैं जो man-made होते हैं. But man gets the raw material from the nature. लेकिन जो raw material है वो हमें nature से ही मिलता है. Water exists in three forms: solid, liquid and gas. और जो पानी है वो एक ऐसा है matter जो तीनों forms में पाया जाता है, solid में भी, liquid में भी and gas में भी. From animals we get wool, fur, silk, etc. from animals. हमें animals से wool, fur, silk ये सभी चीजें मिलती हैं. These things are used for making various kinds of things. और ये चीजें अलग अलग चीजें बनाने के लिए काम आती हैं. From plants. Plants होते हैं वो हमें jute, cotton, wood, flower, nuts, leaf, oil, rubber, wax ये सब चीजें हमें plants देते हैं. We use various parts of plant in our food. और हम अपने भोजन में भी पौधे के विभिन्न भागों का यूज करते हैं. कॉफी, टी, शुगर एंड चॉकलेट ये सब चीजें भी हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं.
वी मेक वेरियस थिंग्स फ्रॉम द मटेरियल वी गेट फ्रॉम प्लांट। और प्लांट से जो हमें मटेरियल मिलते हैं उनसे हम बहुत सी चीजें बनाते हैं। फ्रॉम सॉइल वी गेट वेरियस काइंड्स ऑफ रॉक्स विच आर यूज इन मेकिंग डिफरेंट थिंग्स। सॉइल से हमें बहुत से डिफरेंट काइंड के रॉक्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट थिंग्स बनाने के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज ग्रेफाइट इन अवर पेंसिल। अभी जो हमारी पेंसिल है इसमें क्या है, ग्रेफाइट। डायमंड इन ऑर्नामेंट्स, जो डायमंड होता है वो ऑर्नामेंट्स गहनों में, और मार्बल सैंडस्टोन ग्रेनाइट इनका यूज हम अपने घर को स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाने के लिए करते हैं। वी गैट वेरियस काइंड्स ऑफ मेटल लाइक आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। हमें बहुत सी मेटल्स भी मिलती हैं जैसे आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब हमें सॉइल से मिलती हैं। फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इन द क्रूड फॉर्म, किस फॉर्म में मिलती है, क्रूड फॉर्म में मिलती है। वी गैट कोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम द डीप ग्राउंड, और डीप ग्राउंड से गहरी नीचे बहुत नीचे से हमें क्या मिलता है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल इज यूज एज फ्यूल, कोल जो है वो फ्यूल के लिए यूज किया जाता है एंड हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। पेट्रोलियम इज यूज टू गेट पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा। पेट्रोलियम किस लिए यूज किया जाता है, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल प्राप्त करने के लिए। प्लास्टिक थिंग्स आर आल्सो मेड अप ऑफ रेसिड्यू ऑफ पेट्रोलियम, और जो प्लास्टिक थिंग्स होती हैं, प्लास्टिक की चीजें होती हैं, वो भी पेट्रोलियम के रेसिड्यू से ही हमें प्राप्त होती हैं। नाउ मैन मेड मटेरियल्स, मैन मेड मटेरियल्स जो होते हैं, मैन हैज मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम द रॉ मटेरियल ही हैज गॉट फ्रॉम द नेचर। नेचर से जो उसको रॉ मटेरियल मिलता है उससे वो डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैन हैज मेड ग्लास, स्टेनलेस स्टील, सीमेंट, प्लास्टिक, पेपर, नायलॉन, क्लॉथ एक्सेट्रा। ये सब चीजें किससे बनती है, फ्रॉम वेरियस रॉ मटेरियल, अलग अलग रॉ मटेरियल से ये चीजें बनाई जाती हैं। नाउ शेप ऑफ मटेरियल, मटेरियल की शेप क्या होती है, द शेप ऑफ मटेरियल कैन बी चेंज बाय हीटिंग, कूलिंग, प्रेसिंग एंड मोल्डिंग। जो मटेरियल की शेप होती है उसे हम हीट के द्वारा, कूल करके, प्रेसिंग के द्वारा और मोल्डिंग के द्वारा चेंज कर सकते हैं। द कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ वाटर, सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, वाटर। जब हम पानी को चेंज करना होता है तो चेंज द लिक्विड फॉर्म टू ऑफ द वाटर बाय कूलिंग। पानी को जब हम कूल करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो क्या बनती है, बर्फ बन जाती है। और जब सॉलिड फॉर्म कैन अगेन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, और इसी बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाती है, और जब इसको भी गर्म करते हैं तो ये स्टीम फॉर्म में, गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। द आयरन रॉड्स कैन बी हीट बाय बेंड बाय हीटिंग। जो आयरन की रॉड्स होती है, लोहे की रॉड्स, उन्हें हम गर्म करके बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। वी कैन गेट डिफरेंट थिंग्स ऑफ सेवरल शेप्स बाय प्रेसिंग क्ले और सॉइल। क्ले और सॉइल से हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं उनको प्रेसिंग के द्वारा। वी कैन चेंज द शेप ऑफ पेपर बाय फोल्डिंग एंड प्रेसिंग इट। हम पेपर को फोल्ड करके, प्रेस करके डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इन वेरियस शेप्स एंड साइज। और जो प्लास्टिक है उसे भी डिफरेंट शेप्स में मोल्ड किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था, इसे आपने अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज एमसीक्यू। टेक द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट प्रोवाइड अस, प्लांट हमें क्या देते हैं, वुड, मेडिसिन, या दोनों चीजें, बोथ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। प्लांट से हमें वुड भी मिलती है और मेडिसिन भी मिलती है। पेंसिल इज मेड ऑफ, पेंसिल किससे बनती है, वुड, ग्रेफाइट या बोथ। पेंसिल में वुड भी है और राइट करने के लिए ग्रेफाइट भी है, तो इससे ये भी दोनों चीजों से बनी होती है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ, मिट्टी में क्या क्या होता है, मिनरल्स या रॉक। मिट्टी में दोनों चीजें होती है, मिनरल्स भी एंड रॉक्स भी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इन अवर फूड। हम अपने भोजन में प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का यूज करते हैं। नंबर टू, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। नंबर थ्री, वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस बाय फ्रीजिंग। पानी को बर्फ में कैसे चेंज करते हैं, फ्रीजिंग में, फ्रीजिंग के द्वारा बर्फ बनाते हैं ना हम फ्रीज करके। नंबर फोर, वी गेट कोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम द डीप ग्राउंड। डीप ग्राउंड से भी क्या मिलता है, कोल एंड पेट्रोलियम। नंबर फाइव, ग्रेफाइट इज यूज इन पेंसिल्स टू राइट। लिखने के लिए पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, अ रबर बैंड कैन नॉट बी स्ट्रेच इजिली। जो रबर बैंड होता है उसको इजिली नहीं खींचा जा सकता, रॉन्ग, ठीक है, फॉल्स है ये।
अ पेपर बर्न्स इजिली, पेपर को इजिली जला सकते हैं, ट्रू. लिक्विड वाटर कैन बी चेंज इनटू सॉलिड बाय कूलिंग, पानी को आप कूल करके सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, ट्रू. ठीक है, सॉलिड फ्लो व्हेन पॉर्ड आउट, क्या सॉलिड को जब पलटते हैं तो क्या वो फ्लो करता है, फॉल्स. वी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें वूल मिलती है, ट्रू. ग्रेफाइट इज यूज इन पेंसिल टू राइट, लिखने के लिए पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ट्रू. नाउ गिव वन वर्ड आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अ मैटर एग्जिस्टिंग एक्सेसिवली इन थ्री स्टेट, थ्री स्टेट्स में जो मैटर पाई जाती क्या है, वॉटर. अ मटीरियल एक्सटिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, मरकरी. नंबर थ्री, अ मैटर यूज इन पेंसिल टू राइट, लिखने के लिए पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट. नंबर फोर, द सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट जूट ऑयल वैक्स, द सोर्स हमें किससे मिलते हैं, जूट ऑयल वैक्स किससे मिलते हैं, प्लांट से. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द लेसन वेरी केयरफुली एंड डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर बुक्स. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.